हे गाइस, वेलकम टू अशोका आईएएस। यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके बारे में जानेंगे डिटेल में। अभी रिसेंटली जो न्यूज़ है, यूएई ऑफर्स टू होस्ट COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। आपको पता होगा जो एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है UNFCCC का। तो यहाँ पर हम जानेंगे क्या है UNFCCC, अभी तक का जो जर्नी रहा है हमारा अप टू COP28, जो इवोल्यूशन रहा है, जानेंगे इनके बारे में डिटेल में। वन शॉर्ट वीडियो होगा फॉर APSC एंड UPSC प्रीलिम्स 2021। यहाँ पर आपको मैं क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस क्लाइमेट डील के बारे में बताऊंगा डिटेल में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ लास्ट जो ट्रेंड रहा है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट सेक्शन से। मोर और लेस मैं कहूँगा एवरेज 20 से 25 क्वेश्चन हर साल यहाँ पर पूछा जाता है, पूछा गया है। लास्ट 2 साल में भी 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में ये सेक्शन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एज ऑलवेज, अगर आप UPSC या स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ फॉर आवर GS फाउंडेशन कोर्स, जहां पर आपको सैटेलाइट कोर्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको प्रोवाइड करते हैं हम ऑप्शनल क्लासेस फॉर हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ सकते हो मेरे दिए गए टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, यहाँ पर जाके आप मुझे विजिट कर सकते हो पर्सनली। तो इन सब के लिए आप रजिस्टर करा सकते हो खुद को दिए गए फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट करके। आप हमारे GS रिफ्रेशर कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हो अगर आप UPSC प्रीलिम्स 2021 की तैयारी कर रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो न्यूज़ है, देखिए UAE ने ऑफर किया है COP28 का। इन्होंने कहा है कि हम अबू धाबी में इसको होस्ट करना चाहेंगे। ऑलरेडी COP26 जो होना था 2020 को, ड्यू टू दिस ऑनगोइंग पेंडेमिक इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अभी एक्सपेक्टेड है कि नवंबर 2021 को इसको कंडक्ट किया जाएगा ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में। तो अभी तो फिलहाल के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या होता है। आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा जो इवोल्यूशन है अबाउ ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP जो है, ये कैसे इवॉल्व हुए हैं, अभी तक का जो जर्नी रहा है। इसके लिए आपको मैं ले जाता हूँ 1992 में, जहाँ पर अर्थ समिट हुआ था। अर्थ समिट या फिर UNCED, UN कॉन्फ्रेंस ऑन अर्थ एंड डेवलपमेंट, जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 92 में रियो डी जेनेरो। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे ग्लोबल लीडर्स का ग्रुप फोटो, ये 92 का। यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया था कि क्या होना चाहिए हमारा स्ट्रेटजी, जिससे कि हम डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ाए, एट द सेम टाइम हम लोग जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है उसको भी हार्म ना पहुँचाए, हानि ना पहुँचाए। तो ऐसे में तीन मैकेनिज्म्स का इनोवेट किया गया था, तीन मैकेनिज्म्स को इन्होंने डेवलप किया था। एक है UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इट डील्स विद क्लाइमेट चेंज। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, एंड देन आपका जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन यू नो टू कम्बेट डेजर्टिफिकेशन। सो ये तीनों जो डील है, एक डेजर्टिफिकेशन से डील करता है, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। क्लाइमेट चेंज आपको पता होगा इसका एक जो मैनिफेस्टेशन होता है ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज ऑफ इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। सो UNFCCC जो है, इट पर्टिकुलरली डील्स विथ, इसका जो टारगेट रहता है कि ग्लोबल टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाए, कम रखा जाए, एंड बेसिकली टारगेट किया जाए इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को, जिससे कि हमारा जो इमिशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। सो इंडिया, मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया जो है इज़ पार्टी टू ऑल दी 3 कन्वेंशंस। आगे बढ़ते हैं, देखिए UNFCCC जो है, इट केम इनटू फोर्स, जैसे कि आपको पता है 92 में मीटिंग हुआ था, लेकिन इट केम इनटू फोर्स इन 21st March 1994 एंड रेटिफाइड बाय 197 कंट्रीज। इसका जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, इसका जो एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इसको कहा जाता है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो हर साल बैठते हैं, डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं अबाउट फ्यूचर क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान जो भी होगा। ऐसे ही इनका फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था, ये हुआ था बर्लिन जर्मनी में, एंड अभी जो लास्ट मीटिंग हुआ था COP25, ध्यान रखिएगा COP25 लास्ट टाइम ये बैठे थे 2019 मैड्रिड स्पेन में, एंड इसके बाद से ड्यू टू द पेंडेमिक और COP जो इनका मीटिंग है ये हो नहीं पाया अभी तक। इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ UNFCCC, इट इज़ बेस्ड ऑन समथिंग नोन एज CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। नाम पे ध्यान दीजिएगा कॉमन, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, सो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कॉमन है सबका, जो यू नो कंसर्न है वो भी कॉमन है सबका, लेकिन डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इसके अंडर में जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इसको डिवाइड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। यहाँ पर नेशंस जो है, कंट्रीज जो है, 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। Annex 1 कंट्री, जहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, एंड
कंट्रीज विच आर इन इकोनॉमीज ऑफ ट्रांजिशन, तो इनके लिए टारगेट है, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना इमिशन रिड्यूस करो। जो एनेक्स टू कंट्रीज है दे आर प्राइमरली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन एंड द टारगेट फॉर देम इज टू नॉट ओनली रिड्यूस इमिशन बट ऑल्सो असिस्ट द एनेक्स वन कंट्री इन रिडक्शन ऑफ देयर इमिशन। सो आपको जो अगर आप एनेक्स टू कंट्री में हो तो आपको ना केवल खुद का इमिशन रिड्यूस करना है बल्कि आपको एनेक्स वन कंट्रीज को भी हेल्प करना है फाइनेंशियली हो या टेक्निकली हो ताकि वो भी अपना इमिशन रिड्यूस कर पाए। क्या इमिशन? ग्रीन हाउस गैस इमिशन। देन थर्ड कैटेगरी, इसको नॉन एनेक्स कंट्री भी कहा जाता है, जैसे इंडिया एंड चाइना है इस कैटेगरी में आ जाता है। इनके लिए मैंडेटरी नहीं रखा गया था टू रिड्यूस देयर इमिशन। एंड एनेक्स फोर, यहाँ पर LDCs आ जाएंगे आपके, लिस्ट डेवलप कंट्रीज। एंड बेसिकली जो हमारा दूसरे जो कंट्रीज है दे विल असिस्ट द LDCs, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा डैमेज होता है वो मोस्टली जो पुअर कंट्रीज है, जो LDCs है उन्हीं को होता है। सो द अदर कंट्रीज विल असिस्ट LDC इन देयर मिटिगेशन टारगेट, इन देयर मिटिगेशन स्ट्रेटजी विथ फाइनेंशियल असिस्टेंस और विथ टेक्निकल असिस्टेंस। सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके ऊपर बेस करके हमारा UNFCCC चलता है। देखिए जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है COP 1st जो था वो हुआ था आपका बर्लिन जर्मनी में। इसके बाद हर साल ये बैठते गए, ये डिस्कस करते गए। मैं यहाँ पर सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो COP है इन्हीं को हाईलाइट करूँगा जहाँ पर इम्पॉर्टेंट आउटकम निकल के आया था। ऐसा ही एक COP था COP 3 जो आपका 97 क्योटो जापान में हुआ था, जिससे आया लीगली बाइंडिंग क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में आपको बता देता हूँ, बेसिकली ये लीगली बाइंडिंग मैकेनिज्म है, एक प्रोटोकॉल है जहाँ पर डेवलप्ड कंट्री को एक टारगेट दिया गया। आपको मैं टेक्निकलिटी नहीं बताऊँगा लेकिन 5.2% इमिशन रिडक्शन टारगेट था फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। एंड बेसिकली जो मेन फोकस था टू कीप द टेम्परेचर राइज बिलो 2 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी। 2 डिग्री सेल्सियस से कम ज़्यादा हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बल्कि इससे कम रखना चाहिए। सो दैट वॉज द मेन फोकल पॉइंट। एंड इसी के चलते कहा गया डेवलप कंट्रीज को कि आप अपना इमिशन जो है उसको रिड्यूस करें। ऐसे में क्या हुआ, देखिए USA जो थे, जो तब का प्रेसिडेंट George W. Bush थे, दे डिसाइडेड टू वॉक आउट। इन्होंने कहा कि नहीं, हम इस मैकेनिज्म को नहीं मानते हैं क्योंकि अमेरिका एंड इंडिया जो है वो बिगेस्ट पोल्यूटर है एंड उनको नहीं रखा गया, उनके लिए लीगली बाइंडिंग नहीं रखा गया। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है एनेक्स थ्री कंट्री में आते थे USA, जो चाइना एंड इंडिया है, तो USA ने कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं तो वी विल वॉक आउट फ्रॉम दिस क्योटो प्रोटोकॉल। ऐसे में डेवलप किया गया 3 फ्लेक्सी मैकेनिज्म्स जिनको हम जानते हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM, कार्बन ट्रेडिंग एंड जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के नाम से। कार्बन जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है मैं आपको बता देता हूँ, अगर सपोज मान लीजिए आप कोई डेवलप कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपको कहा गया है कि देखिए आप अपना इमिशन को रिड्यूस करें। कितना रिड्यूस करेंगे? पर टन इमिशन रिडक्शन के लिए आपको 1 कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। सपोज मान लीजिए आप 1 टन इमिशन रिड्यूस करते हो तो आपको क्या मिलेगा? 1 कार्बन क्रेडिट। एंड इन CDM, इन क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, दीज कार्बन क्रेडिट्स आर नोन एज सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन यूनिट, CER यूनिट के नाम से इनको जाना जाता है। सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन यूनिट के नाम से इनको जाना जाता है। सो कहा गया कि CDM के अंडर में क्या था कि अगर आप 1 टन तक इमिशन रिड्यूस करते हो तो आपको 1 कार्बन क्रेडिट मिलेगा, आप ज़्यादा करोगे तो आपको ज़्यादा कार्बन क्रेडिट मिलेगा। नाउ ये जो कार्बन क्रेडिट है ये आप इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हो। मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी है, इन्होंने अपना इमिशन जो है उसको रिड्यूस नहीं किया, इन्होंने ज़्यादा इमिट किया, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एज अ पेनल्टी आप कह सकते हो उनको जो आपका CER यूनिट है इनको खरीदना पड़ेगा। तो अगर आप अपना इमिशन को रिड्यूस करते हो तो आपको CER मिलेगा जो आप इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हो, या फिर यू कैन शो देम एज योर डोमेस्टिक इमिशन रिडक्शन यूनिट्स। तो ऐसे में कंट्रीज जो है या जो इंडस्ट्रीज है वो टेक्निकली और ज़्यादा एफिशिएंट होने की कोशिश करेंगे। दे विल रिड्यूस, देयर विल बी अ टेंडेंसी
टू रिड्यूस द इमिशंस. सो दिस वॉज द बेसिक फंडा बिहाइंड CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म. सिमिलरली कार्बन ट्रेडिंग जो है ये भी बेसिकली कैप एंड ट्रेड पे प्रिंसिपल पे ये काम करता है. व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कैप एंड ट्रेड मैं आपको बता देता हूँ. सिंपल सी बात है, आप अपना जो इमिशन है इसको रिड्यूस करो, उसमें कैप लगाओ, जो भी आपको इमिशन रिडक्शन यूनिट मिलेगा उसको आप ट्रेड करो, आप पैसे कमाओ. तो ये था बेसिक फंडा बिहाइंड कैप एंड ट्रेड. सो ऐसे में यू नो दीज आर दी फ्लेक्सी मैकेनिज्म्स जो अडॉप्ट किया गया था जब अमेरिका ने कहा कि हम वॉकआउट करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल से. नाउ इसके बाद हमारा COP बैट चलता रहा. 2002 COP 8 दिल्ली डिक्लेरेशन आया, न्यू दिल्ली में हुआ था. अब इंडिया ने कहा इंडिया शोड देयर कंसर्न फॉर पुअरेस्ट कंट्रीज, बिकॉज आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ है ये लीस्ट इमिटर होते हैं लेकिन मोस्ट सफरर होते हैं. इन ये इमिशन में इनका हाथ होता नहीं है लेकिन जब भी सफरिंग के बारे में बात आती है तो सबसे ज़्यादा वही सफ़र करते हैं. सो इंडिया शोड देयर कंसर्न. यहाँ पर इंडिया ने कहा कि देखिए हमको फोकस करना चाहिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में, ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाहिए ताकि इनका एमिशन रिड्यूस हो, ये अडॉप्ट कर पाए, मिटिगेट कर पाए जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो जो यू नो जो इंसिडेंट्स होते हैं उनके साथ ये अडॉप्ट कर पाए, या फिर जो भी आपका कोई अगर ऐसा मान लीजिए डिज़ास्टर होता है बिकॉज ऑफ दोज क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इशूज़, तो ये मिटिगेट कर पाए. सो इंडियाज फोकस वॉज टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन. सो दिस वॉज दी COP 8 2002. फिर आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आता है COP 13 जो बाली 2007 में हुआ था. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक स्टेप रहा. यहाँ पे आया बाली रोड मैप फॉर LDCs, जैसे कि इंडिया का कंसर्न था फॉर लीस्ट डेवलप कंट्रीज. सो जो आपका COP 13 था बाली इंडोनेशिया में हुआ था, बाली रोड मैप यहाँ से डिराइव किया गया. व्हाट इज़ बाली रोड मैप? बेसिकली देखिए बाली रोड मैप जो है इट टॉक्स अबाउट 5 डिफरेंट टॉपिक्स. कौन से टॉपिक्स? कि हमारा जो फ्यूचर स्ट्रेटजीज होगा वी दैट शुड बी बेस्ड ऑन सम शेयर्ड विजन. जो वर्ल्ड लीडर्स है, जो ग्लोबल लीडर्स है, हमारा एक कॉमन विजन होना पड़ेगा रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का कंसर्न नहीं है, ये एज ए होल हर किसी का कंसर्न है. दूसरा जो था एडप्टेशन, एडप्टेशन से रिलेटेड आई मीन टू से यहाँ पर फाइनेंस एंड एडप्टेशन को मैं साथ में बोलूँगा. एडप्टेशन मतलब क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी इश्यूज हम फेस करते हैं उनके साथ खुद को अडेप्ट करना. एंड इसके लिए जो हमारा फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर है फाइनेंस, यहाँ पर डिसाइड किया गया था कि हमको कुछ फंड मोबिलाइज करने चाहिए फॉर एडप्टेशन एंड मिटिगेशन टू डील विथ क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इशूज एंड ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. सो इंडिया का जो कंसर्न था कहीं ना कहीं बाली रोड मैप के जरिए इसको एड्रेस किया गया. अगला जो इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी था COP 16 कानकुन, यहाँ पर हुआ था 2010 में. यहाँ से आया एडप्टेशन फ्रेमवर्क एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड. जो बाली रोड मैप में फाइनेंस के बारे में बात किया गया था कहीं ना कहीं इसको एड्रेस किया गया था COP 16 2010 में. यहाँ पर यू नो डिसाइड किया गया कि हम हम फंड मोबिलाइज करेंगे. आपको बाद में जाके पता चलेगा कि 100 बिलियन US डॉलर का फंड जो है इसके बारे में बात किया गया था. सो दैट इज़ दी जो मेन हाईलाइट था COP 16 2010. अगला जो इम्पोर्टेंट COP है COP 17 जो डर्बन में हुआ था. यहाँ पे देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ख़त्म होने वाला था, तो फिर क्योटो प्रोटोकॉल को एक्सटेंड किया गया था 2020 में. एंड एक और इम्पोर्टेंट जो इवेंट यहाँ पर हुआ था, जो डेवलपमेंट हुआ था, एक ग्रुप बनाया गया, एडहॉक ग्रुप बनाया गया था, एडहॉक ग्रुप ऑन डर्बन प्लेटफॉर्म. एंड इनका जो टारगेट था टू डेवलप अ रोड मैप फॉर फ्यूचर क्लाइमेट डील. हमारा जो आगे का क्लाइमेट डील हो, देखिए आप एक चीज़ को यहाँ पर समझिए कि जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल था ये कहीं ना कहीं अभी कंट्रीज़ जो है जैसे अमेरिका जैसे कंट्रीज़ है ये कहीं ना कहीं इनको यू नो जो हमारे स्ट्रेटजीज इनको मानने से इनकार कर रहे थे एंड कुछ हद तक आउटडेटेड हो रहा था. तो ऐसे में हमको नए स्ट्रेटजीज चाहिए थे. तो जो COP 17 डर्बन साउथ अफ्रीका में हुआ था यहाँ पर एक एडहॉक ग्रुप बनाया गया एंड इनको कहा गया कि आप फ्यूचर क्लाइमेट डील के लिए कोई रोड मैप बनाओ, आप कुछ सोचो, कुछ इवॉल्व करो ताकि हम क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो इश्यूज है इनको हम एड्रेस कर पाए. सो डर्बन का जो ये COP 17 था बेसिकली यहाँ से आता है हमारा पेरिस एग्रीमेंट का जेनेसिस. जो हमारा पेरिस क्लाइमेट डील आज की तारीख में हम जानते हैं आफ्टर क्योटो प्रोटोकॉल,
तो ये इसका जेनेसिस होता है कहीं ना कहीं COP17 जो फ्यूचर रोडमैप के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इवेंट है COP20, ये हुआ था लीमा में। यहाँ पर फ्यूचर क्लाइमेट डील बेस्ड ऑन INDCs एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था लीमा COP20 2014 में। देखिए मैं आपको बताता हूँ INDC क्या है। INDC जो है इसका फुल फॉर्म है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड जो इनका कंट्रीब्यूशंस होगा। ये क्या करेंगे बेसिकली मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। हर कंट्री कमिटमेंट करेंगे, कुछ कमिटमेंट लेंगे एंड उनको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इंडिया का कमिटमेंट है कि हमको 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से डिराइव करना है। तो इंडिया ने एक कमिटमेंट किया था, इंडिया का जो NDC था कि हम 175 गीगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे एंड ये जो है ये रिन्यूएबल सेक्टर से आएगा एंड विच विल बी अराउंड 45% ऑफ आवर टोटल एनर्जी शेयर। एंड इसी तरह से जो बाकी कंट्रीज़ है उनको भी यू नो लीगली बाइंडिंग तो नहीं था लेकिन वो भी ऐसे कुछ कमिटमेंट्स लेंगे जो नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट्स होगा। एंड हर कंट्री जैसे चाइना हो गया, USA हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, हर कंट्री को कुछ कुछ कमिटमेंट लेना था एंड ये बेसिकली लीगली बाइंडिंग नहीं होंगे लेकिन हर 5 साल में वो मिलेंगे, मिलके वो फिर अगला जो NDC है उसको डिटरमाइन करेंगे। कंडीशन ये था कि आपका जो NDC है वो हमेशा प्रोग्रेसिव लुकिंग होना चाहिए। सो दिस वाज दी लीमा 2014 COP20 जहाँ पर NDCs के बारे में बात किया गया था। सो इसके बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आता है दैट इज COP21 जहाँ पे पेरिस क्लाइमेट डील को बात किया जाता है, जो फ्यूचर स्ट्रेटजीज है एंड टारगेट रखा जाता है कि हमें 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है एंड अगर पॉसिबल हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रखना है बेस्ड ऑन प्री इंडस्ट्रियल लेवल। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का जो लेवल था उसके कंपैरिजन में 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमको टेम्परेचर रखना है। सो 2 डिग्री सेल्सियस वॉज केप्ट एज अ थ्रेशोल्ड पॉइंट फॉर द 21st सेंचुरी। दिस वॉज दी COP21 पेरिस क्लाइमेट डील। नाउ पेरिस क्लाइमेट डील जो है ये मैं कह सकता हूँ क्योटो प्रोटोकॉल का एक नया वर्जन है। लेकिन क्या डिफरेंस है क्योटो प्रोटोकॉल में एंड पेरिस क्लाइमेट डील, पेरिस एक्शन में? देखिए यहाँ पर है डबल ट्रिगर मैकेनिज्म। जो मैं पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर डबल ट्रिगर मैकेनिज्म, डबल ट्रिगर क्लॉज के बारे में बात किया गया था। ये बेसिकली क्या है, इसके मुताबिक जब भी 55 कंट्रीज इसको रेटिफाई कर लेंगे, ये जो पेरिस डील है इसको रेटिफाई कर लेंगे और ये जो 55 कंट्रीज होंगे दे शुड बी द कंट्रीब्यूटर ऑफ एटलीस्ट 55% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ग्लोबली जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है इसका 55% तक ये 55 कंट्रीज अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो ऑटोमेटिकली पेरिस एग्रीमेंट जो है ये लागू हो जाएगा, ये एनफोर्स हो जाएगा। इसके बाद INDC जो है इसको रखा गया, दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग। देखिए क्या कहा जाता है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो INDCs है, जो कमिटमेंट्स है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं होगा। बस कंडीशन ये है आपको हर 5 साल में एक बार मिलना है, आपको अपना फ्यूचर NDC बताना है एंड आपका जो फ्यूचर NDC होगा इट शुड बी मोर ऑफ अ प्रोग्रेसिव नेचर। थर्ड जो था CBDR को डाइल्यूट कर दिया गया पेरिस डील में। आपको मैंने ऑलरेडी बताया है CBDR क्या था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जहाँ पर 4 अलग अलग कैटेगरीज में कंट्रीज़ को डिवाइड किया गया था एंड जो NX1 NX2 कंट्रीज है इन पे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी डाला गया था। लेकिन पेरिस डील में CBDR को डाइल्यूट कर दिया गया था, इंडिया ने काफ़ी कंसर्न भी जताया इसके चलते। CBDR डाइल्यूट होने से काफ़ी हद तक जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ है या फिर जो हमारे नॉन एनिक्स कंट्रीज़ है इनके लिए काफ़ी हद तक नुकसान हो जाता है क्योंकि इनका फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। एनीवेज दैट इज़ अ डिफरेंट डिबेट। CBDR को डाइल्यूट कर दिया गया, अभी सारे कंट्रीज़ का इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट डील। नेक्स्ट इज फोकस रखा गया ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग रादर देन कंपेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेज। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो डेवलप कंट्रीज है इन्होंने कहा ठीक है हमारे वजह से अगर किसी को नुकसान होता है, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ऐसे में किसी कंट्री को कोई नुकसान होता है तो हम देखिए फाइनेंशियली कंपेंसेट किसी को नहीं करेंगे लॉस एंड डैमेज के लिए, बल्कि हम उन कंट्रीज़ का कैपेसिटी बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से जो फंड के बारे में बात किया गया था, एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन फंड, वो कहीं ना कहीं नलीफाई हो गया इस स्टेटमेंट से। नेक्स्ट इज कार्बन मार्केट। जिस तरह से
हमने देखा था कि कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म पे या फिर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म पे क्योटो प्रोटोकॉल जो है कार्बन मार्केट डेवलप किया था। बेसिकली कार्बन मार्केट क्या है, इसके जरिए इंडस्ट्रीज को हमने एनवायरमेंट के साथ लिंक कर दिया था। तो सेम चीज़ इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन केस ऑफ पेरिस क्लाइमेट डील, बस इसका जो नाम है यहाँ पर इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम ITMO के नाम से इसको जाना जाएगा अंडर पेरिस क्लाइमेट डील। सो दिस इज द ब्रीफ अबाउट पेरिस एग्रीमेंट। मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है डर्बन प्लेटफॉर्म से ये इसका जेनेसिस स्टार्ट होता है COP17 जो है यहाँ से, एंड देन जो रोड मैप रहा है पेरिस तक का, एंड इसके आगे का जो डेवलपमेंट है देखिए COP23 बॉन में हुआ था, नेगोशिएशंस चल रहे थे कंट्रीज के बीच में, कंसर्न्स था, एंड ऐसे में USA अंडर डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम तो देखिए पेरिस क्लाइमेट डील से विड्रॉ करेंगे। तो विड्रॉ क्या नहीं था, विड्रॉ करेंगे, तो दैट वाज द अनाउंसमेंट जो COP23 था 2017 बॉन जर्मनी में हुआ था। तो यहाँ पे एक काफ़ी सेटबैक लगा, उसके बाद से जो डिस्कशंस थे नेगोशिएशंस थे ये चल ही रहे थे। फिर COP24 कटोविच में हुआ था जहाँ पर जो रूल बुक है पेरिस डील का उसको फाइनलाइज किया गया था, कंट्रीज फाइनली सहमत हुए थे। फिर 2019 में COP25 था मैड्रिड में हुआ, कोई सिग्निफिकेंट आउटकम यहाँ से निकल के आया नहीं क्योंकि कंट्रीज जो थे अगेन उनका जो कमिटमेंट्स था या फिर उनका जो जो मैं कहूँगा इंटेंशंस था पर्टिकुलरली रिलेटेड टू जो क्लाइमेट चेंज जो फंड के बारे में हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पर कंट्रीज जो थे वो सहमत नहीं थे। तो काफ़ी कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिला नहीं। COP26 जो है ये कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ पैंडेमिक इसको रद्द करना पड़ा था, पोस्टपोन करना पड़ा था, तो ये नवंबर 2021 को होने की संभावना है। तो देखेंगे जब यह होता है तो जो भी अपडेट होता है मैं आपके लिए लेके आऊँगा। 2021 नवंबर में होने की संभावना है। एंड देन अभी UAE ने कहा है कि COP28 जो है इसको हम कंडक्ट करना चाहेंगे आबूधाबी में। सो ये है ओवरऑल रोड मैप आपका यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का, जो जेनेसिस एंड जो इवोल्यूशन रहा है, जो जर्नी रहा है अब तक का। मैंने आपको यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस क्लाइमेट डील से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दिए हैं। सो ये है ओवरऑल इस वीडियो का एनालिसिस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।